पुत्रों की दीर्घायु हेतु माताओं ने हर्षोल्लास से की ललही छठ व्रत पूजा। उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में ललही छठ पूजा का कार्यक्रम किया गया, जिसके क्रम में मिर्जापुर जनपद के विकास खंड 96 ब्लॉक मुख्यालय के ठीक बगल ग्राम सभा विजयपुर के रानी तालाब और राजा तालाब के पास शनिवार को पुत्रों की लंबी आयु की कामना के साथ माताओं ने ललही छठ व्रत की और विधि विधान से पूजन अर्चन किया। इस दौरान हल षष्ठी एवं बलराम जी की कथा सुनाते हुए महिलाएं नजर आ रही थी। माताएं सुबह स्नान करने के बाद पूजा स्थल पर राजा तालाब और रानी तालाब के फीटे पर पहुंचकर कुश के पौधे छुल के पास पूजन अर्चन किया। माताओं ने एक दूसरे सुहागिन माताओं को सिंदूर भी लगा रही थी। व्रत रख कर अपनी संतान के सुख समृद्धि के लिए भगवान बलराम की पूजा अर्चना की। यह पर्व बलराम के जन्म दिन के उपलक्ष में मनाया जाता है। इस व्रत की पूजा के लिए माताओं ने भैंस के गोबर, भैंस का दूध, दही, मनवा की रुई, फल फूल इत्यादि से विधि विधान से पूजा की। वहीं अर्की, सरपति, बरुआ, बिरोही आदि सैकड़ों गांवों में पूजा अर्चना की गई। शांति देवी, सुरसती, सीमा शर्मा, रंजू शर्मा, नीरज शर्मा, मनोरमा आदि लोग हर्षोल्लास के साथ पूजन करती नजर आईं। कहीं कहीं पुत्र प्राप्ति होने पर गाजे बाजे के साथ पूजन स्थल पर जाती नजर आईं। इसके साथ ही भगवान गणेश और माता गौरी की पूजा की जाती है। इस व्रत को धारण करने वाली महिलाएं माताएं तालाब के किनारे विधि विधान से पूजा करती हैं। विजयपुर की बुजुर्ग महिला लालती शर्मा ने बताया कि जिसे पुत्र नहीं है वह सच्चे मन से ललही गोसाई माता की पूजा करे तो पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। हल षष्ठी की पूजा करते हुए बुजुर्ग महिलाओं ने पर्व की कथा और महत्व को बताते हुए बताया कि बच्चों की लंबी उम्र के लिए हम लोग पूजा पाठ करते हैं और यह हमारे आजा बाबा करते चले आ रहे हैं। कुछ महिलाओं ने बताया कि बलराम को हल और मूसल से खासकर लगाव था। यही कारण है कि इसलिए इस दिन किसान हल, मसूर और बैल की भी पूजा करते हैं। इसे किसान के त्यौहार के रूप में भी देखा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह पुरुष वर्ग के लोग पूजा स्थान को साफ सुथरा करते हैं एवं आवश्यकता अनुसार गड्ढे की खुदाई करते हैं और कुश के पौधों, छुल के पत्ते इत्यादि वहां रखते हैं, जिसके बाद महिलाएं आकर के अपना पूजन अर्चन करती हैं। रानी के तालाब पर अभयराज यादव, कमलेश सिंह, मनोहर यादव, विजय सुभाष, काशी प्रसाद शर्मा आदि लोग व्यवस्था में लगे हुए थे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए शिवचरण बिंद की खास रिपोर्ट।